गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास सिक्स का मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें अध्याय दस, अध्याय दस का नाम है अनुपात एवं समानुपात। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। पहला क्वेश्चन दिया है तीन कापियों की कीमत ₹16.50 है, तो सात कापियों की कीमत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, जबकि तीन कापियों की कीमत ₹16.50 है, ठीक है, तो एक कॉपी और तो यहां कॉपी लिखना है, एक कॉपी की कीमत कितने हो जाएगी, 16.50 बटे 3, इसलिए कितने कॉपी पूछा है, सात कॉपियां, सात कॉपियों की कीमत 16.50 बटे 3 गुणा क्या हो जाए, 7, तो काटो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, ठीक है, फिर 3 × 5 = 15 और 1 शून्य आ जाए, ठीक, ये हो जाएगा 5.50, 7 × 7 = 7, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, कितने रुपये हो जाएगा, 38.50, ठीक है, इस प्रकार से 38.50 सात कापियों की कीमत होगी। आंसर लिखेंगे, अतः 7 कापियों की कीमत कितना होगा, 38.50 होगी या होगा, ऐसे इस प्रकार से ये सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसमें मैं ले देता हूँ 4, जैसे दिया है इस हिसाब से आप लोग जो नहीं क्या करना इसमें और बाकी क्वेश्चन को आप हल करते जाना। किसी मजदूर को 25 दिन का आय, 25 दिन का है, जबकि 25 दिनों की मजदूरी का है ना, मजदूरी कितना कह दिया है, 1500 रुपया, ठीक है, तो 30 दिनों का, तो एक दिन की मजदूरी का कितना हो जाएगा, 1500 × 25, आप यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो, इसलिए कितने दिन का बोला है, 30 दिनों की, 30 दिनों की मजदूरी या कुल मजदूरी, कुल मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा, 1500 × 25 × 30, ठीक करो, 5 × 25 = 30, 5 × 5 = 15, 5 × 3 = 0, ठीक है, 6 × 3 कितना हो जाए, 1800 रुपये, इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, अतः 30 दिनों की मजदूरी कितने को हो जाएगा, 1800 रुपये मिलेगा, ठीक, इस प्रकार से इस एक्सरसाइज से क्या करना, हम लोग क्वेश्चन को हल करना, ठीक है, थैंक यू।